हेलो स्टूडेंट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ बॉडी फ्लुइड्स एंड सर्कुलेशन ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट द हार्टज एन द इंट्रेंसिक और इंटरनल इंपल्स कंडक्टर कंडक्टिंग सिस्टम मेमेलिन जो हार्ट होता है मायोजेनिक हार्ट होता है मतलब हार्ट बीट का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है मसल से बंच ऑफ मसल से होता है तो जिस बंच ऑफ मसल से हार्ट बीट का ओरिजिनेशन होता है उसे एक नोट कहा जाता है जिसको साइन ऑरिकुलर नोट या एस ए नोट कहा एस ए नोट कहा जाता है और इसी ऐसे नोट के द्वारा क्या होता है कि हार्डबिट का ओरिजिनेशन होता है जो कि इंपल्स के फॉर्म में होता है इसलिए ऐसे नोट को पेसमेकर या पेस सेटर भी कहा जाता है पेस का मतलब होता है गति प्रदान करने वाला पेसमेकर आल्सो डिफाइन एड द सेल और ग्रुप ऑफ सेल विद इन द टिश्यू एक्सिबिट स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विच कैन स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ एक्शनशियल एंड ट्रिगर कॉन्ट्रेक्टाइल इन अदर इवेंट तो पेसमेकर क्या है सेल्स का ग्रुप होता है जिसमें अपने आप क्या होता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट होती है जिसको हार्ट बीट कहते हैं जो हार्ट बीट क्या होती है पूरे हार्ट में फैल जाती है

यही से हार्ट बीट का ओरिजिनेशन तो हार्ट बीट का ओरिजिनेशन होता है तो यहां से फैलता हुआ चला जाता है राइट से लेफ्ट साइड में जाएगा तो पूरा जो आरिकिल होगा उस समय क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा अब उसके बाद ये जो इम्पल्स होते हैं उसको कौन गेन करता है एवी नोड तो एवी नोड एवीनोट पाया जाता है जो जा ऑरिकल और वेंट्रिकल का जो जंक्शन होता है वहां पाया जाता है तो ये इम्पल्स कौन कैरी कर लेगा एवी नोड अब एवी नोड जो होता है जो इम्पल्स को क्या करता है गेन करता है उसको बंडल ऑफ हीस कहते हैं ये बंडल ऑफ ऑफीज दो ब्रांच रूट लेग स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाते हैं तो ये रूट लेक -like जो स्ट्रक्चर होता है राइट ब्रांच ऑफ बंडल शीट होती है और लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल शीट ये जो बंडल शीत होती है इससे बहुत सारे ब्रांचेस निकलती है जो पूरे हार्ट में नीचे का जो पोर्शन होता है पूरे जो लेफ्ट होता राइट वेंट्रिकल होता है पूरे पोर्शन में ये बंडल ऑफ हीस की जो ब्रांचेज होती है वो फैल जाती है मतलब कहने का मतलब है कि जो इंपल्स जनरेट हुआ है हार्डबिट का ओरिजिनेशन हुआ है वो कहां पर आरिकल में हुआ और यहां से कौन गेन करेगा एवी नोट गेन करेगा और एवी नोट से कहा जाएगा ये बंडल ऑफ ऑफीज में तो जैसे ही नीचे की तरफ आएगा तो नीचे का पोर्शन कॉन्ट्रिक्ट होगा अब इम्पल्स का आगे नीचे की तरफ आ गए तो ऊपर का पोर्शन क्या हो जाएगा ऑरिकल रिलैक्स होंगे तो हार्डबिट का ओरिजिनेशन कहा हो रहा है साइन ऑरिकुलर नोट ऐसे नोट के द्वारा होता है अगर ये बंडल ठीक से काम ना करे तो ऑरिकल तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे लेकिन नीचे का पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है इस कंडीशन को हार्ट ब्लॉक कहते हैं। इसके बाद आता हार्ट साउंड हार्ट के अंदर कितने वाल्व होते इनलेट एंड आउटलेट ऑफ वेंट्रिकल रेगुलेट द फ्लोर ऑफ द ब्लड इन हार्ट तो ये वॉल्व क्या करते हैं हार्ट के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है उसको रेगुलेट करते हैं और ये वॉल्व जब बंद होते हैं तो उनके द्वारा एक साउंड प्रोड्यूस किया जाता है तो फर्स्ट हार्ट साउंड देखते हैं जिसको लब कहा जाता है तो ये कब क्या होता है कि बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड वॉल्व क्या होते हैं जब बंद होते हैं जब क्लोज होते हैं तो आरिकिल से ब्लड कहा जाता है वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल में आए ये दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड तो जब ये दरवाजे बंद होते हैं वॉल्व बंद होते एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं जिसको लब कहा जाता है उसी तरह से सेकेंड हार्ट साउंड या डब देखेंगे तो जब ब्लड कहाँ गया आरिकल से वेंट्रिकल में आ गया आरिकल बंद हो गए अब वॉल्व बंद हो गए तो लब साउंड आ गया उसके बाद क्या होता है कि ये वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा दोनों एवोटा में लेकिन दोनों एवोटा के वहां पर क्या है वॉल्वर सेमिलोनर वॉल्वर तो सेमिलोनर वॉल्व खुलते हैं दोनों का और वेंट्रिकल का ब्लड का ब्लड चला जाता है सिस्टमिक तथा ब्लडा पलमोनर जैसे ब्लड ऊपर जाता है में ये सेमी वाल्व तेजी से बंद होते हैं फिर हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है तो इसको सेकेंड हार्ट साउंड कहते हैं या इसको डप कहते हैं तो एक लब और डब एक कार्डिक साइकिल होती है और उसके बाद कुछ पिको पिकोसेकेंड के लिए हार्ट रुक जाता है तो इसको कहते हैं जनरल पॉज उसके बाद फिर सेकेंड हार्ट साइकिल स्टार्ट होती है नी चारोल्स कुछ डेमेज हो जाता है तो उस कंडीशन को रूमेटिक फीवर कहा जाता है ब्लड में लीक आउट थ्रू द वॉल ओपनिंग तो ब्लड क्या होगा वॉल्व ठीक से काम नहीं करेंगे डेमेज होंगे तो उसके कारण ब्लड क्या होगा लीक होगा तो उस कंडीशन में जो डॉक्टर होता है स्टेटोस्कोप के द्वारा जो साउंड सुनता है तो उस कंडीशन में उसको कैसा साउंड सुनाई देता है मरमर का साउंड तो मरमर टाइप का जो साउंड सुनाई देता है तो उससे पता चलता है कि फोर जो वाल्व है उसके अंदर क्या होता है कि कोई सा एक वॉल्व क्या है डेमेज तो हार्ट के बाद आता है ब्लड वेसल्स क्योंकि ब्लड स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं उसके पहले तो नहीं पढ़ेंगे अब देखते हैं ब्लड वेसल्स जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है वो ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल जो होती है थ्री टाइप्स की होती है आर्टरीज आर्टरीज वेंस और कैपिलरीज जो आर्टरीज होती है वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचाती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाती है अब स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी देखते हैं जो आर्टरी होती है ठीक होती है मस्कुलर होती है इलास्टिक वॉल होती है मतलब खिंचावदार होती है और इसकी वॉल जो होती है मोटी होती है आर्टरीज ब्रांचेज इन स्मॉल आर्टरीज जिनको आर्ट्रिय कहते हैं और, एंड और ऑफ उसको कैपिलरीज कहते हैं जो आर्टरीज होती है वो छोटी छोटी ब्रांच में डिवाइड होती है जिनको क्या कहते हैं कहते हैं और ये के जो एंड होते हैं उनको कैपिलरीज कहा जाता है तो आर्टरीज जो होती है डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके क्या करती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचा देती है आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड

जो कि कि होती 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 है है? है, है और इसमें होते हैं। इसके 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 अलावा इसके अंदर अंदर क्या क्या पाई जाती छोटी-छोटी जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है आर्टरी की वॉल को टेस ऑफ वेन्स एंड आर्टरी जो पहला स्ट्रक्चर है ये किसका है? वेंस का और दूसरा जो स्ट्रक्चर का है, वो किसका है आर्टरी का तो दोनों के अंदर जो लेयर होती है वो क्या होती है थ्री लेयर्स होती है आर्टरी का स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे बाहर की तरफ ट्यूनिका एक्सटर्नल मिडिल वाली जो आपको दिखेगी ट्यूनिका मीडिया और अंदर वाली जो है एंडोथिलियम और उसके अंदर एक और लेयर है वो कौन सी है इनर इलास्टिक मेम्ब्रेन जबकि फोर्थ वाली जो है वो किस में नहीं होती वेंस में नहीं होती तो वेंस में कितनी लेयर होगी एक्सटर्नल ट्यूनिका बाहर की मिडिल वाली जो होगी ट्यूनिका मीडिया और अंदर वाली होगी एंडोथिलियम आर्टरीज की जो वॉल ठीक होती है इसमें वॉल्व नहीं होता है इसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो जर्क के साथ होता है जबकि वेंस की जो वॉल्व होती है वो थीन होती है जबकि इसमें वॉल्व होते हैं और ये यॉल्व क्या करते हैं जब आर्ट्री वेंस के अंदर ब्लड नहीं होता है तो उसको क्या कोलाप्स होने से रोकते तो आर्टरीज वेंस के बाद आती है कैपिलरीज जो होती है माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होती है विच कैरी द ब्लड फ्रॉम आर्टेरियोल्स तो आर्टरी से ब्लड आएगा आर्टेरियल्स में और आर्टेरियल से ब्लड कहा जाएगा कैपिलरीज में इच कैपिलरी कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथिलियल सेल्स तो कैपिलरीज के अंदर केवल एक ही लेयर होती है जिसको एंडोथिलियल सेल्स कहते हैं कैपिलरीज लाइ इन द क्लोज कॉन्टेक्ट विद द बॉडी टिश्यू और ये जो कैपिलरीज होती है बॉडी टिश्यू के एकदम पास में होती है ड्यू टू थीट द एक्सचेंज ऑफ गैसे यह टिश्यू के जस पास में होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा एक्सचेंज होगा किसका गैस का न्यूट्रेंट का सिक्रीशन होगा और वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उनका ब्लड सेल्स में होगा तो सेल्स तो के अंदर जो है वो ब्लड में आ जाएगा द वाइट ब्लड सेल्स स्क्विज आउट थ्रू द कैपिल जो वाइट ब्लड सेल्स होती है वो कहां से निकल जाती, से निकल जाती है और चारों तरफ जितने भी क्या करती है व्हाइट ब्लड सेल्स उनको खत्म करती, कील करती है तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है जहां का भी कहीं क्या होता है हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उनको ढूंढ ढूंढ कर खत्म करती है तो उस प्रोसेस फिनोमिनन को क्या कहा जाता है डायपेडेसिस कहा जाता है नेक्स्ट वन आता है डबल सर्कुलेशन पल्मोनरी इन सिस्टमिक सर्कुलेशन तो हार्ट के अंदर जो दो बार ब्लड आता है एक बार इम्प्योर ब्लड आता है प्योर होने के लिए और एक बार प्योर ब्लड आता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए जो इम्प्योर ब्लड आता है प्योर होने के लिए तो उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं और जो प्योर ब्लड आता है हार्ट के अंदर बॉडी के डिफरेंट पार्ट में प्योर डिस्ट्रीब्यूट uh, करने के लिए उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं तो पल्मोनरी सर्कुलेशन तथा सर्कुलेशन दोनों को मिलाकर उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं कहने का मतलब हार्ट के अंदर दो टू टाइम्स क्या होता है ब्लड आता है इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है यू कैन सी इन दिस डायग्राम डबल सर्कुलेशन पहली बार जो ब्लड आता है वो कहाँ आता है राइट right एरिकल में जो इम्प्योर होता है डिऑक्सीजनेटेड होता है तो ये आता है यहां से यहाँ जाएगा और फिर वापस से लंग्स में जाएगा प्योर होने के लिए तो ये इसको कहेंगे क्या पल्मोनरी सर्कुलेशन अब दूसरी बार प्योर ब्लड आएगा कहाँ लेफ्ट आरिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल और सिस्टमिका के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंच जाएगा तो इसको क्या कहेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन तो एक बार ब्लड आया इम्प्योर ब्लड प्योर होने के लिए दूसरी बार आया प्योर ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पोर्शन के लिए तो दो बार हार्ट में ब्लड आता है इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं